अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दीएस्ट और न्यूट्रिशियस एंड यू विल मस्ट से इनक्रेडिबल हेल्दी रोटी, इनक्रेडिबली हेल्दी रोटी लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये हेल्दीएस्ट रोटी बनेगी कैसे, ये हमारी रोटी हेल्दीएस्ट कैसे हुई, आइए देखते हैं। हेल्दीएस्ट रोटी बनाने के लिए हमने 6 तरह के फ्लावर को मिक्स करके बनाना है। हमने कौन कौन सा लिया है आटा, चलिए आइए देखते हैं। पहले तो ये हमारा जो है सिंपल फ्लावर हो गया, और ये हमने लिया है अलसी का आटा, और ये हमने लिया है मकई का आटा, और इधर हमने लिया है जौ, और ये है हमारा ज्वार, और ये है हमारा सिंपल चने का बेसन। अब इन सारी 6 फ्लावर को जब हम मिला के रोटी बनाएंगे तो फिर आप बताइए कितनी हेल्दी रोटी होने वाली है। तो आइए पहले हम इसके बेनिफिट बता देते हैं कि इस रोटी के बेनिफिट्स क्या होंगे, और जो ये सारी 6 किस्म के हम आटे मिला रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले हम शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा है जौ का आटा। जौ हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जौ जौ में जो है जौ को तो हम आम इंग्लिश में बर्ले भी कहते हैं, ठीक है। तो बर्ले में जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच फाइबर होता है, और इस आटे में विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है, फाइबर तो बहुत रिचेस्ट है, एंड अदर बेनिफिशियल कंपोनेंट भी पाए जाते हैं। इसमें हाई फाइबर है एंड बेटा ग्लूकन है, एंड जो बहुत ही सॉल्यूबल है फाइबर, हमारे ब्लड में बहुत आसानी से वो सॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। एंड सबसे बड़ी बात जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, कहते हैं ना कि वेल्थ हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहा तो हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसलिए पहले हमें, अगर हमारा पाचन तंत्र अच्छे से चलता रहा, काम करता रहा, क्योंकि पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्गली एक्ट करने के लिए उसको फाइबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और जो ये फाइबर हमारे जौ में बहुत पाया जाता है। और जौ के अंदर और बहुत सारी खासियत होती हैं। दूसरी ये कि वो लोअरिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के लेवल को वो कम कर देता है, एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करके रखता है। एंड एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी है, विटामिन B1, B2, B3, B6, सारी चीज़ें ये हमें जौ में मिलती हैं। एंड उसमें मैग्नीशियम भी होता है, जिंक, आयरन एंड कैल्शियम भी हाई मात्रा में पाए जाते हैं। एंड इस जौ को हम कई तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एक तो पहले हम नंबर 1 मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप आटा लेके उसको रोटी बना के यूज़ करें, और अगर ना हो तो आप उसका इस तरह से सत्तू, एज अ सत्तू भी यूज़ करते हैं उसको, और उसका शरबत भी बना के पीते हैं। तो इसी तरह से जौ में आपने देखे कि कितने सारे फ़ायदे हमें सिर्फ जौ के आटे में मिल रहे हैं। और जब हम इसमें 5 और इंग्रेडिएंट्स मिला देंगे, 5 और तरह के फ्लावर को मिला के जब हम रोटी बनाएंगे, तो यू कांट इमेजिन कि हमारे लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है ये रोटी, कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस एंड हेल्थीस्ट होने वाली है। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ओके व्यूअर्स, ये नेक्स्ट फ्लावर जो हमने लिया है ये है मकई का आटा। मकई का आटा भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये कैसे हमें फ़ायदा पहुँचाता है, और मकई खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन किन बीमारियों से हमें बचा के रखता है, आइए मैं उसको अब डिस्कस करती हूँ आपके साथ। ओके व्यूअर्स, ये हमने ले लिया मक्के का आटा, ठीक है। और सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि मकई को मेज भी कहते हैं, और मकई की रोटी को हम कहते हैं कॉर्न पोन। और मकई जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मकई में क्या क्या पाया जाता है वो हम देखते हैं। मकई में विटामिन सी पाया जाता है, बायोफ्लेवोनाइड, एंड बहुत ज़्यादा इसमें फाइबर भी होता है, एंड कैराटिनाइड भी होता है, एंड
जो भुट्टा हम खाते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्लेवोनाइड जैसे बहुत पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो जैसे बहुत ही गंभीर बीमारी है, बहुत ही कैंसर जैसी बीमारी से जो हमें बचा के रखता है। तो इसलिए हमें अपने डाइट में, हमें अपनी रोटी में, किसी भी तरीके से हमें इन सब चीज़ों को लेना चाहिए ताकि हमें ये बीमारियों से बचा के रखें। और मक्के खाने का क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एक तो हमारे वो लीवर डिजीज़ में हमें बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करता है, एंड किडनी प्रॉब्लम, अगर हमारे किडनी में स्टोन हुआ तो उसमें भी मक्का बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है हमें। और अगर यूरिनरी डिजीज़ डिसऑर्डर हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई यूरिनरी से रिलेटेड, तो उसमें भी मकई बहुत फ़ायदा करता है हमें। और टीबी जैसी बीमारी में भी बहुत मकई फ़ायदा करता है। तो बहुत सारे फ़ायदे, मैं आपको कितने फ़ायदे बताऊँ, अगर मैं सारे फ़ायदे आपको बताने लगी तो मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए बहुत शॉर्ट में और छोटा कर करके आपको बस ऐसा समझा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए आप मेरी इस हेल्दीस्ट रोटी की रेसिपी को देखें और कोशिश करें कि इसी तरह से अपने घर में भी कम से कम 3 टाइम अगर आप रोटी खाते हैं तो 2 टाइम आप ये वाली मेरी रोटी खाएं, और फिर देखें कि आप कितना ड्रास्टिक चेंज आता है आपकी हेल्थ में। एंड देखिए हमारा मक्के का आपने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट लेके आते हैं अलसी। अलसी अलसी कितनी ज़्यादा फायदेमंद है। अलसी को हम फ्लैक्स सीड के नाम से भी जानते हैं, और अलसी में आपको, मेरे पास अलसी है तो मैं आपको अलसी दिखा देती हूँ। ये देखिए अलसी, ये होती है अलसी। हाँ ये देखिए, इसको अलसी कहते हैं। ये हमारे पास थी तो हमने सोचा मैं आपको इसको दिखा भी देते हैं कि अलसी क्या होता है, और ये अलसी का आटा है। ठीक है, अब अलसी खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अलसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। अलसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो अलसी में होती है वो होती है ओमेगा 3। ओमेगा 3 इतनी रिच क्वांटिटी में होती है अलसी में, और जो हमारे बॉडी को क्या क्या प्रोवाइड करती है, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है अलसी जो हम खाते हैं तो। एंड अलसी बॉडी में जैसे फैट, अगर एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है तो अलसी उसको भी कंट्रोल करता है, एक्स्ट्रा फैट को काटता है। तो इसका मतलब कि हमारे वेट, जो जिन लोगों ने वेट ज़्यादा गेन कर लिया है तो उनको वेट लॉस करने में बहुत मदद मिलती है अलसी खाने से। एंड अलसी में जो एंटी ऑक्सीडेंट एंड फाइटो केमिकल्स जो होते हैं, वो जो बढ़ती उम्र के सिम्टम्स को वो कंट्रोल करके रखते हैं, जैसे कि चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तो इन सारी जो प्रॉब्लम्स को है अलसी अगर हम खाते हैं तो सारे प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करके रखता है। तो सोचिए अलसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक तो आप इसको कह सकते हैं कि अलसी जो है वो एंटी एजिंग आप कह सकते हैं अलसी को, और शाकाहारी लोगों को तो ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग फ़िश वगैरह खाते हैं तो उसके ज़रिए उनको ओमेगा 3 मिल जाता है, बट वेजिटेरियन लोगों को बहुत मुश्किल होता है। तो अलसी में जो ओमेगा 3 बहुत रिचेस्ट होता है। तो आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को, अलसी को, मकई को एंड जौ को, इन सब चीज़ों को आप रोटी के थ्रू ही लीजिए, लेकिन लीजिए, आप इनको स्किप मत करिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। व्यूअर्स, ये हमारे अलसी का फायदे मैंने आपको बता दिए। अब ये मेरे पास है ज्वार के आटे। ठीक है, अब ज्वार में क्या चीज़ें होती हैं, वो कैसे आपको फायदा पहुंचाएगा। ज्वार में जो है पोटेशियम, पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में होती है, और जो पोटेशियम जो इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, इसलिए कि आजकल आप देखते हैं कि हर किसी का बीपी हाई हो रहा है, किसी का बीपी हाई हो रहा है, किसी का बीपी लो हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों के अंदर। तो ज्वार जब हम लेते हैं तो उसमें पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो हमारे बीपी के लेवल को कंट्रोल करके रखता है, और सोडियम के प्रभाव, जो जो सोडियम होता है उसके प्रभाव को कम करता है पोटेशियम। और इसको हम क्या करते हैं कि ये हम समझ लीजिए कि बस इन सब चीज़ों को हमको स्किप नहीं करना है, अपनी लाइफ से निकालना नहीं है, उसको लेते रहना है, किसी के भी ज़रिए लेना है, रोटी के ज़रिए लेना है, या आप इसी तरह खा सकते हो, किसी और सत्तू बना के खा लें या और किसी तरह से ले लें, लेकिन आप लें, अपनी डाइट में उसको यूज़ करके रखें।
अब हम आते हैं, ये हमारा, इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको सारे नहीं बता सकती। मैं कोशिश करूँगी कि अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चीज़ों को दिखा सकूँ, बता सकूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये है बेसन के आटे। ठीक है, बेसन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हमने बेसन का आटा क्यों मिलाया है, क्योंकि बेसन का आटा जो है, बेसन का आटा जो हमारे वज़न को कम करने में बहुत मदद करता है और डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें फाइबर का स्रोत भी बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। एंड ये हमारे अंदर कैलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करके रखता है और प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से बेसन भी हमें बहुत ज़रूरी है लेना, तो हमने इसको भी अपनी रोटी में शामिल कर लिया है। एंड फाइनली ये जो हमारा है, ये हमारा फ्लोर है, फ्लोर भी हमारे हमने लिया है अपने आटे में रोटी के लिए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने 6 तरह के आटे लेके अपनी रोटी रोटी को बनाएंगे, हेल्दीस्ट बनाएंगे। और आप कह सकते हैं कि दीज ऑल मिक्स फ्लोर रोटी आर इनक्रेडिबल हेल्दी। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमको बनाना कैसे है। अभी इस हेल्दीस्ट रोटी को बनाने के लिए हमें क्या करना है, अभी हम आपको बताते हैं। ओके, हम अपना डो बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, आप अपने, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपको कितनी रोटी खानी है, उसी हिसाब से आप इसका रेशियो रेडी करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप जो सिंपल फ्लावर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप, ठीक है, 1 कप मैंने सिंपल फ्लावर लिया है। और आप क्या करेंगे कि अगर आपने 1 कप आटा लिया है सिंपल फ्लावर, तो आप हाफ कप लेंगे जौ। ठीक है, हाफ कप जौ लेंगे, मतलब कि आपको जितना सिंपल आटा लेना है उसका आपको हाफ कर देना। अगर आपकी फैमिली में कम लोग हैं, आपको 2-3 रोटियां ही बनानी है, तो आप जो सिंपल फ्लावर लेंगे उसी के रेशियो उसका हाफ करते हुए आप जौ ले लेंगे। ठीक है, जौ का आटा हमने ले लिया है और हाफ ही हमने लिया है ये मकई का आटा, हमने हाफ कप लिया है, 1/2 कप। और फिर हमने लिया है अलसी, अलसी हमने लिया है 1/4 कप। ठीक है, ये हमने अलसी लिया है 1/4 कप। और हमने लिया है 1/4 कप ही हमने लिया है ज्वार, और 1/4 कप ही हमने लिया है बेसन। ठीक है, बस इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, सारे फ्लावर को मिक्स कर देना है। मिक्स करके और बस ये देखिए, हमने ये पानी लिया है और इस पानी को ऐड करते हुए, इसमें थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए, हमें जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, बस वैसे ही इसको डो रेडी कर लेना है। अभी आपको अगर थोड़ा सा और टेस्टी बनाना है अपनी रोटी को, तो आप इसमें नमक भी हल्का सा डाल सकते हैं और हरी मिर्च एंड हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और अगर आप इसको सब्जी से खाना चाहते हैं, तो बस सिंपल इस तरह से डो बना के आप रोटी बना लीजिए और सब्जी से फिर इसको इंजॉय करिए। और बस इसको थोड़ा थोड़ा आटा करके गूंथ गूंथ के आटा अपना रेडी कर लेना है। और मैं कहूँगी कि उन लोगों के लिए ये रोटी बहुत ही हेल्दी है, जिन लोगों ने जिम ज्वाइन कर रखा है, जिम जाते हैं, तो इस रोटी के थ्रू ही उन्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उन्हें प्रोटीन मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर एंड मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन, सारी चीज़ें इसी रोटी के थ्रू वो इंटेक कर सकते हैं। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैम कि प्लीज़ 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 मेरी इस वीडियो को, हेल्दीस्ट रोटी की वीडियो को देखें और मुझे फॉलो करें और अपनी डाइट में प्लीज़ इसको यूज़ करें। और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि इस रोटी को लेने के बाद उनकी हेल्थ में कितने चेंजेस आए हैं और उनको कैसा फील हुआ ये खाने के बाद। और ठीक है, अब मैं जा रही हूँ इसका डो बना के, फिर मैं आपको रोटी बना के दिखाती हूँ। ठीक है व्यूवर्स, देखिए हमें इस तरह से छोटी छोटी लोई बना लेनी है और तवा हमने फ्लेम पे रख दिया है, वो हमारा गर्म हो रहा है। बस इस तरह से हम ये रोटी बेल लेंगे। बहुत ही इजली इससे भी रोटी बेल जाती है, जिस तरह से हम आटे की रोटियां बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए हमारी रोटियां रेडी हो रही हैं, तवा भी हमारा गर्म हो चुका है।
ये देखिए मैं इसे इस तरह से करके रेडी कर लेंगे। पक्की हेल्दी रोटी है। अगर आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर लें तो इंशाल्लाह कोई भी बीमारी नहीं होगी। ये देखिए कितनी अच्छी मायने में खुल गई है, बिल्कुल देख रहे हो। ये रोटी अच्छी से फूलती भी है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और न्यूट्रिशियस तो है ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। फ्लेम को यहाँ बंद कर देंगे, हमारी रोटी रेडी हो गई है। ये देखिए हमारा न्यूट्रिशियस खाना रेडी हो चुका है। अब हम आप इसको सब्जी से खा सकते हैं और जिससे चाहे आपकी मर्जी आप उससे खा सकते हैं इस रोटी को। देखिए व्यूअर्स मेरे इस हेल्दी रोटी की रेसिपी को देखिए और कोशिश करिए कि आप अपने खाने में इस रोटी को ही शामिल कर लें और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बहुत ही हेल्दी है। आप ऐसा कर सकते हैं कि सारे आटे को आप अलग अलग करके रख सकते हैं या तो फिर आप एक ही डब्बे में एक रेशो के साथ उसको मिक्स करके रख दें, जब आपको रोटी बनाने की ज़रूरत हो आटा उसको रेडी करें डो और बस गर्मा गर्म रोटी परोसें और खाएं। और आप चाहें तो इस पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का सा घी अप्लाई कर लें और फिर उसके बाद उसको खा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली रेसिपी हेल्दी रेसिपी के साथ। ओके, जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।